दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि इस ग्रंथ को एक शापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में एक आदमी था, उसकी एक पत्नी थी और छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में रहने लगे। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों जानवरों पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधों और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वे हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक शापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में आ फंसी है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी तो रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगी, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा
तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक चांस मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपने रक्त की तथा पशु पक्षियों की बलि दे रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वह व्यापारी भी आ गया जो अपने शैतानी रूप में आ गया। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी कि तथा खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नर बच्ची समझ कर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई लेकिन गाँव वाले ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उड़ा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गया तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है, अतः नीलावंती ने उस किताब को शापित कहते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलता है। उस साधु के मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं था क्योंकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखी हुई थी, अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। कहते हैं कि कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसी मुहावरे के समान यह किताब भी है। बताया जाता है कि इस किताब को आधा अधूरा या पढ़कर न समझ पाने वाले व्यक्ति पागल हो जाते हैं और जो पूरा पढ़कर समझ लेता है तो या तो वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है या अनैतिक परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पढ़ा था। बताया जाता है कि इस किताब को पढ़ा पशु पक्षियों से बात कर सकता है, उनकी भाषा समझ सकता है और समय आने पर अपना काम निकलवा सकता है। इस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है या वह पागल हो जाता है, इस कारण इसे श्रापित घोषित कर दिया गया है और इस ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्ण मिलता है लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि शापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं लेकिन ये असली है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ना ही इस बारे में कि इस ग्रंथ से जुड़े हुए तथ्य सत्य हैं या नहीं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।